अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी उम्र की औरत और छोटी उम्र की औरत के साथ हम बिस्तरी में फ़र्क और इनकी लज़त में फ़र्क, आज इस हम अहम टॉपिक पर बात करेंगे। आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद आप इस तरह के वीडियोस देख सकें और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अक्सर मर्दों का ये कहना होता है कि अगर हम बिस्तरी के दौरान लज़त चाहिए तो वो बड़ी उम्र की औरत का इंतखाब करना चाहते हैं, क्या वाकई ये दुरुस्त कहा जाता है या नहीं? आज इस वीडियो में हम इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम बिस्तरी करने का मतलब लुत्फ हासिल करना और जिसे तस्कीन हासिल करना ही होता है, और ये सुकून हासिल करना हर मर्द और हर औरत ही चाहती है, और ये एक कुदरती अमल भी है। अगर हम बिस्तरी के दौरान मर्द या औरत में से कोई एक फर्द हम बिस्तरी के लुत्फ से नावाकिफ होता है तो हम बिस्तरी में लुत्फ हासिल नहीं होता। मर्द या औरत के लाइल्मी की वजह से हम बिस्तरी में लज्जत हासिल नहीं होती है। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि एक बड़ी उम्र की लड़की हम बिस्तरी के दौरान ज्यादा लुत्फ देती है। इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसमें वो मर्द का मुकम्मल तौर पर साथ देती है और इन लम्हात को एंजॉय भी करती है। इसके बरक्स अगर कम उम्र लड़की की बात की जाए तो कम उम्र की लड़की या औरत सही तरह से मर्द को हाथ भी नहीं लगाने देती, किसी किस्म की कोई लज्जत भी हासिल करने नहीं देती। इस दौरान मर्द का मूड ही खराब हो जाता है और इसको लज्जत भी हासिल नहीं होती है। मर्द को बड़ी उम्र की औरत को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो औरत पहले से ही बहुत सी बातों का इल्म रख चुकी होती है, और इस दौरान वो अपने शोहर के करीब आते हुए शर्म भी महसूस नहीं करती है और बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर हम बिस्तरी करना पसंद करती है और शोहर का हम बिस्तरी के दौरान मुकम्मल तौर पर साथ देती है। और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो हम बिस्तरी के दौरान मर्द का उजुए खास खुद ही अपनी शर्मगाह में दाखिल कर रही होती है। इस दौरान लुत्फ की इंतहा सिर्फ वो दोनों मियाँ और बीवी ही जानते हैं और अपने शोहर को खुद ही डिस्चार्ज ही करवाती है। इस तरह की औरतें बहुत ज्यादा रोमांटिक भी होती हैं और इनके शोहर इनसे बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और बाहर की औरतों के साथ ताल्लुक भी कायम नहीं रखते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द हजरात मुख्तलिफ तरीकों से ही हम बिस्तरी करना चाहते हैं। इस तरह से औरतें भी मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ पोजिशन से हम बिस्तरी करना पसंद करती हैं। इससे लज्जत में भी इजाफा होता है और सुकून भी मिलता है। अगर शरी एतबार से बात की जाए तो मर्द जिस तरह से चाहे हम बिस्तरी कर सकता है मगर पीछे का रास्ता अख्तियार ना करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।